फ्रेंड्स, विश्वरंजन ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि कलम का स्टीलअप लेंथ और सर्कुलर कलम का स्टीलअप लेंथ कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि रेक्टेंगुलर कलम का स्टीलअप लेंथ कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा सर्कुलर कलम का स्टीलअप लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप कैसे निकालते हैं। अगर आपको जानना है कि रेक्टेंगुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, तो आपको मेरे पिछले वाले वीडियो को देखना होगा, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर कलम का जो स्टीरअप होता है वो कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक कलम जिसका डाया कितना है 900 mm, और मैंने क्लियर कवर कितना पकड़ा है 40 mm। ठीक है, क्लियर कवर पकड़ा है 40 mm। तो मैं पहले दो चीज़ निकाल लूँगा। एक तो है सेंटर से इसका रेडियस कितना होता है 450। ठीक है, अगर 900 mm कलम डाया है तो रेडियस कितना आएगा 450। और इसी सेंटर से मैं जो यहाँ जो स्टीरअप है ना, उस स्टीरअप का सेंटर निकालूँगा। देखो, रेडियस होता है 450। ठीक है, इसे सपोज ए पकड़ लेते हैं ना, आड़ी पकड़ लेते हैं, चलो। तो ये आर मेरा कैसे निकलेगा देख लो, ये आर कैसे निकलेगा। ये आर में पहले क्या माइनस हो रहा है, कवर। टोटल कितना है 450, पहले तो माइनस कर दो कवर। कवर कितना है मेरा 40। ठीक है, 40। और क्या सेंटर में आने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, जितना का स्टीरअप है उसका हाफ। स्टीरअप कितना का है 8 mm का, उसका हाफ कितना होता है 4, और 4 माइनस कर दो, तो मेरा जो है ये आर निकल जाएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस करने के बाद 406 mm। इसी से मेरा सारा काम है। ठीक है, ये बहुत अच्छा से समझिएगा। समझ में नहीं आया तो रिपीट मेरा फिर से देखिए और इसको पहले समझ लीजिए कि आर मैंने कैसे निकाला। ठीक है, उसके बाद ये मेरा क्या है एक्चुअली में, पेरीमीटर ना मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कल में हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, चलो। कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप, कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप में पहले क्या आएगा, पहले तो ये स्टीरअप का गोल आएगा, पूरा गोलाई मतलब इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr। उसके बाद और क्या इसमें ऐड होगा, देखिए इसमें दो हुक, तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही चुका है कि हुक को कैसे यूज़ करते हैं, और हुक का मिनिमम जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए 75। इससे कम तो हम कभी हुक ले ही नहीं सकते हैं, एटलीस्ट 75 तो लेना ही होगा, या नहीं तो 10D। 10D ऑलवेज फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। अगर 10D का जो वैल्यू है वो 75 mm से कम आ जाता है सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कम को नहीं लेंगे, 75 सीधा पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो, कितना नंबर ऑफ हुक है, टू इंटू एक हुक का लेंथ कितना बताया मैंने 10D, मतलब 10 इंटू डी। और मैंने बताया था जो बेंड होता है वो बेंड माइनस होता है ऑलवेज, तो यहाँ टोटल कितना बेंड है, यहीं पे देखिए दो बेंड है बस, और कहीं बेंड नहीं है मेरा, तो दो नंबर बेंड। और एक बेंड के लिए कितना माइनस होता है मैंने बताया था 2D, एक बेंड के लिए 2D, टोटल है दो बेंड। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सारे वैल्यू को। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि इस बेंड को माइनस नहीं करते हैं, तो वो वैल्यू जो आता है वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये बहुत ही एक्चुअल वैल्यू आएगा। ठीक है, साइज में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको माइनस नहीं करते हैं बेंड को, और यही वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन माइनस करोगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको जो एक्चुअल होता है वही बताना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ।
ठीक है, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, इंटू आर मैंने कितना निकाला 406, प्लस 2 इंटू 10 इंटू डी, डाया कितना है स्टीरअप का, ये डी क्या है स्टीरअप डाया, डाया ऑफ स्टीरअप, जानते हो स्टीरअप को हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बार भी बोलते हैं, शियर बार भी बोलते हैं। अच्छा चलो आ जाते हैं, 2 इंटू 10 इंटू डी, डाया कितना है मेरा 8 mm, 8 माइनस 2 इंटू 2 इंटू, डाया कितना है 8। इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2677.68 मिलीमीटर, या इसे कह लो 2.68 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा पता चल गया कि स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ है वो कितना आएगा। अगर वेट निकालना है तो सिंपल है यार, देख लो मेरा पिछला वाला वीडियो और सीख लो वहाँ से। ठीक है, सारे चीज़ तो एक वीडियो में नहीं बता सकता, आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी मेरे पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप। आपका कुछ भी डिमांड है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो फिर से बनाऊंगा और आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा। मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो के बारे में। इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया था महेश ने, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में सपोज M5 अगर होता है तो M का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, 5 का यूनिट क्या है, मैं ये सारा डिटेल्स बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज टच में रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए अगर ये चैनल आपको, अगर आपको इस चैनल से कुछ फायदा होता है तो। ठीक है, चलो।